हाय दोस्तों, देखिए आज हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। चिक्की बनाने के लिए हमें एक कटोरी गुड़ लेना है। जिस कटोरी से गुड़ नापेंगे उसी कटोरी से मूंगफली के दाने को भी नाप लेंगे और दोनों का रेशियो एक बराबर होगा। और चलिए अब कढ़ाई गैस पे चढ़ा देते हैं। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिए हैं दोस्तों, कढ़ाई बैठा दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने और उसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भुनेंगे जब तक ये पूरी तरह से अपना छिलका ना छोड़ने लगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह से धीमे धीमे आंच पे इसको भून लेना है और इसको हमेशा भूनते रहना है, चलाते रहना है, नहीं तो हमारी मूंगफली फिर कढ़ाई में नीचे तलवे में जल जाएगी। और इसको भून कर फिर आगे बताते हैं। इसको देखिए, इसको भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये सारे मूंगफली चटकने लगे हैं। अब इसको हाथ से तो एक मूंगफली लेकर चेप कर लेते हैं। देखिए इसका छिलका आसानी से उतर जा रहा है। तब इस स्टेज पे हम मूंगफली को गैस से नीचे उतार लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए इसको एक तावल पे हम ले लेते हैं, तावल पर डाल लेंगे और इसको इस तरह करके ऐसे मस लेंगे हल्के हाथों से। ऐसे करने से सारे छिलके निकल जाएंगे और हमारी मूंगफली चिक्की बनने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने मूंगफली को निकाल लिया, निकाल कर एक बर्तन में निकाल लिया है इसको। अब चलिए गुड़ को कढ़ाई में डालते हैं। दो चम्मच इस चम्मच से पानी डाल देंगे। अब इसको लगातार चलाते रहना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको गुड़ को पिघलाना है जब तक कि अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। दोस्तों, जब तक मेरी गुड़ मेल्ट हो रही है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एक छोटी सी बर्तन में पानी ले लेते हैं और उसमें एक ड्रॉप डालकर देखते हैं हमारी गुड़ तैयार हुई है कि नहीं। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। अभी मेरी खींची खींची गुड़ है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसको कुछ देर और पकाएंगे। हमारी गुड़ तैयार हो रही है। हम लोग एक थाली को उल्टा करके और उस पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसी पे हम अपनी बादाम चिक्की को निकालेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं हुई है कि नहीं हम लोग की। तो देखिए इसको ट्राई करके देखते हैं। देखिए टूट रहा है, अच्छी तरह से टूट रहा है, इसमें से आवाज भी आ रही है। तो हम लोग की गुड़ तैयार हो गई है। अब इसमें बादाम डालते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग बादाम को डालकर मिला देते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा इस स्टेज पे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद थाली में इसको निकाल लेंगे। इसको थाली पे निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से फैला लेंगे, इस स्पैचुला की सहायता से अच्छे से इसको फैला लेते हैं और इसके बाद इसको हाथ से सेट कर दिए हैं। अब हल्का हल्का बेलन से इसको प्रेस कर देंगे,
हल्का सा दोस्तों, एकदम हल्के हाथों से चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस शेप में आप इसको कट दे दें। मैं सिंपल सा कट लगा रही हूँ। देखिए दोस्तों ये कट हो गया। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको सर्व किया जाएगा। ले लीजिए दोस्तों, हमारी चिक्की बनकर रेडी हो गई। अब इसको आप अपने अपने घर में भी बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।